चलिए रुककर देखने खबर का। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह को मनाया गया। प्रदेश की राज्यपाल और यूनिवर्सिटी की कुलाध्यक्ष आनंदीबेन पटेल इसमें शामिल हुई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रबंधन समेत सैकड़ों स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल का समारोह में भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल ने समारोह की विधिवत शुरुआत की। इसके बाद मुख्य अतिथि ने बच्चों को डिग्रियां भी बांटी और उनका उत्साह भी बढ़ाया। डिग्रियां पाने वालों में 220 स्टूडेंट्स को पीएचडी की डिग्री बांटी गई। वहीं करीब 80 बच्चों को गोल्ड मेडल भी दिया गया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। विश्वविद्यालय के कुल सचिव गौरव शुक्ला ने कहा है कि विश्वविद्यालय के उपाधि धारक छात्रों और विश्वविद्यालय की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने के बाद डॉक्टर नीतू बंसल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि आखिरकार मैं डॉक्टर बन ही गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूनिवर्सिटी की स्वच्छता की भी सराहना की। आपको बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में SECR के GM सुनील सिंह सोइन, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग रायपुर के अध्यक्ष अंजनी कुमार शुक्ला, डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के कुलपति संतोष चौबे, घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RP दुबे, डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के कुल सचिव गौरव शुक्ला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में लगभग 220 लोगों को PhD डिग्रियां दी गई और लगभग 80 लोगों को गोल्ड मेडल दिया गया। ये पिछले 4-5 वर्षों के सारे छात्र थे और बहुत ही अच्छे हंसी खुशी के वातावरण में विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। गवर्नर मैडम ने विश्वविद्यालय के कौशल विकास कार्यक्रमों की, इसके सामाजिक कनेक्ट की और इसकी रिसर्च शोध आदि की बहुत प्रशंसा भी की और उनको कैंपस भी बहुत ग्रीन और साफ़ सुथरा लगा, तो स्वच्छता अभियान की भी उन्होंने बहुत तारीफ की। विश्वविद्यालय लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, जैसे कौशल विकास का भी क्षेत्र हो गया, साथ में हम इनक्यूबेशन की ओर भी काम कर रहे हैं, एनर्जी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और हमारा बायोटेक्निकल पार्क भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। साथ में अब हम लोगों ने किसानों की ट्रेनिंग भी चालू की है, जो पिछले महीने हमने इसमें 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कराया था। तो विश्वविद्यालय चौतरफा ग्रोथ की ओर अग्रसर है। मैं महिला भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और आतंकवाद और नक्सलवाद पे मैंने रिसर्च भी किया है। सौभाग्य से मेरा जो PhD का टॉपिक था, जिसके लिए आज मुझे उपाधि मिली है, वो मेरा नक्सलवाद और आतंकवाद, आप लोगों ने बस्तर और दंतेवाड़ा का नाम सुना होगा, मेरा रिसर्च एरिया वही था। तो मैंने वहीं से उनके बच्चों के जो आतंकवादी बच्चे थे, नक्सलवादी बच्चे थे, उनसे पीड़ित जो बच्चे रहे हैं उनके ऊपर मैंने रिसर्च किया, उनके स्टडी हैबिट्स पे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए मैं पुनः एक बार CV रमन का आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे बड़ा जो योगदान है वो CV रमन यूनिवर्सिटी का ही है और मैं ये बता दूं कि आज मैं यहाँ पे वर्किंग भी हूँ, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं यहाँ काम भी कर रही हूँ और मैं स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे अपना स्टडी कंप्लीट किया, फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और आज उनके सामने मुझे गोल्ड मेडल मिला, जहाँ मेरे गुरुजन भी थे और मेरे स्टूडेंट्स भी थे। तो ये बहुत अच्छा फीलिंग था।